हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र, एक वीकेंड ट्रिप है, संडे ट्रिप है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि कुरुक्षेत्र की जो फेमस प्लेसेस हैं तो वो आपको दिखाएं। तो जो आज का व्लॉग है वो हम शुरू कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की सबसे फेमस प्लेस है जो ब्रह्म सरोवर, तो वहाँ से आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो वन बाय वन जितनी भी आज प्लेसेस कवर हो पाई तो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और जो और भी प्लेसेस हैं, अगर आपके पास एक दिन से ज़्यादा का टाइम है या फिर आप ये प्लेसेस ऑलरेडी घूम चुके हो या दूसरी प्लेसेस देखना चाहते हो, तो वो मैं प्लेसेस के जो लोकेशंस हैं उनके नेम्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं पहले ब्रह्म सरोवर से। सो गाइस, ब्रह्म सरोवर की छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि पुरानी जो हमारी बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ब्रह्मा जी ने जब मतलब क्रिएशन की थी, ये क्रिएट किया था यूनिवर्स, तो उस टाइम कुरुक्षेत्र था कि जहाँ से वो क्रिएशन शुरू की थी, और उस टाइम पे सबसे पहले ये सरोवर बनाया था। वैसे तो ये अभी सरोवर मतलब सारा रेनोवेट कर दिया गया है, और इसकी ये मानता भी है कि इस सरोवर में जो पांडव थे उन्होंने भी मतलब स्नान किया था, और मतलब इसी वजह से ये मतलब जो प्लेस है वो काफ़ी मतलब रिलीजियस मानी जाती है। तो यहाँ पे वो सामने अपना मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और इसके दूसरी साइड बैक साइड में एक पार्क भी बना हुआ, वहाँ भी चलेंगे। सो पहले मंदिर चलते हैं। तो सरोवर वैसे काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक है, और पूरी परिक्रमा करने के लिए आसपास में ऐसी, जैसे ये आप देख रहे हो, ऐसे स्पेस छोड़ा हुआ है, और पूरा है ये मतलब बहुत बड़ा है देखने के लिए। ओके गाइस, सो अंदर छोटा सा मंदिर है, शिव जी जी कृष्ण जी की मूर्ति वगैरह लगी हुई है, और अंदर मतलब कैमरा अलाउड नहीं है तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो वैसे तो मतलब सरोवर के आसपास में, बिल्कुल पास में, अगर आपने मतलब बाथ लेना है तो आप वहाँ ले सकते हो, तो सेफ़ प्लेस बना हुआ है। अगर नहीं आपने बाथ लेना तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस बना हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो सकते हो। सो दिस इज़ द प्लेस, ऐसा मतलब एकदम सेफ प्लेस है, आगे बंद किया हुआ ना बिल्कुल ही। सो गाइस, दिस इज़ अ प्लेस जो कि यहाँ पे टेंपल है इस तरफ, और उसके बैक साइड में जो मैंने लोकेशन आपको दिखाई थी, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मतलब ये रथ बना हुआ है जिसके ऊपर कृष्ण जी और अर्जुन जी हैं, जब उन्होंने उपदेश दिया था उसके ऊपर, तो उसको उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा लाइक अ स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ से काफ़ी क्लियर दिख रहा है क्योंकि फेस इस तरफ है दोनों के, और ऊपर छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है, काफ़ी बड़ा है, मतलब कैमरे में भी इतना बड़ा ना लगे बट एक्चुअली में बहुत बड़ा है स्टैचू। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पे अपना आके आधा एक घंटा स्पेंड कर सकते हो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है, चेक करके आपको वहाँ लेके चलते हैं, और जहाँ जहाँ अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो वहाँ वहाँ मैं अंदर से भी दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके गाइस, सो ब्रह्म सरोवर से होके हम आ गए थे, और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है श्री कृष्णा म्यूज़ियम, जो कि बिल्कुल यहाँ पे है, और ये ब्रह्म सरोवर से हार्डली मुझे लग रहा है कि 5 से 7 मिनट की वॉक है अगर आप आना चाहते हो। यहाँ से आगे ही ज्योति सर भी है, और अपना शेख चिल्ली का जो टूम है, जो मेन अपनी लोकेशंस हैं, तो वहाँ फिर चलते हैं, पहले यहाँ देखते हैं।
सो गाइज ऐसा है कुछ, टिकट 30 रुपीज़ ईच है फॉर अडल्ट और 10 रुपीज़ है फॉर चिल्ड्रन। सो ये है जी मेन एंट्रेंस इसकी, यहाँ पे पार्क बना हुआ है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, इधर अच्छा पार्क बना हुआ है बैठने के लिए। सो इधर भी पार्क बना हुआ है, तो चलते हैं फिर अब अंदर। सो ओके गाइस, सो जो कृष्ण जी का जो म्यूज़ियम है वहाँ से होके आ गए हम, लेकिन अंदर है जो कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर नहीं की। ये जो म्यूज़ियम है मस्ट विज़िट है। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जो कृष्ण जी की पुरानी, जो जैसे हम बोलते हैं कि खुदाई हुई है कहीं पे, तो वहाँ से जो उनकी मूर्तियाँ निकली हैं तो वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं, जो उड़ीसा तमिलनाडु वगैरह से और कहीं और से भी, जैसे कुरुक्षेत्र से भी कई जगह खुदाई हुई है, तो वहाँ से जो मूर्तियाँ निकली हैं वो सारी उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। ओके, जैसे ये मूर्ति लगी हुई है, ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ अंदर लगी हुई हैं। और जो इसका जो टिकट प्राइस है वो भी 30 रुपीज़ है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। और आइडिया अंदर 3 फ्लोर हैं घूमने के लिए, और मतलब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, हमें आइडिया 1 घंटा लगा अंदर घूमने के लिए, तो आप आइडिया आप लगा सकते हो कि मतलब आप 20-30 मिनट से लेके 1 आवर तक का आपका टाइम रहेगा, मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और इन्होंने अंदर से मुझे ये एक बुकलेट मिली है, ऐसे ये बुकलेट मिली है, राइट, लेट मी शो यू। ओके, सो ऐसी ये बुकलेट मिली है, यहाँ पे पूरा मैप है कि यहाँ पे कौन सी लोकेशंस हैं घूमने वाली, और ये लोकेशंस लिखी हुई है, और यहाँ पे कुछ इनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ पे ऐसे ये पूरा मैप है, मतलब यहाँ 48 काइंड ऑफ जो प्लेसेस हैं पूरे कुरुक्षेत्र में, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, जींद और कैथल, ये पूरे एरिए की यहाँ पे मतलब मैप बना हुआ है। तो इसकी मैं इंडिविजुअल फ़ोटोज़ हैं वो वीडियो के एंड में डाल दूँगा, ताकि आपने अगर स्पेशली आना है तो आप अपनी पसंदीदा जो भी प्लेसेस हैं, चाहे वो इनमें से हैं या फिर आप एज अ रिलीजियस पर्पस के लिए आ रहे हो, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें कवर की हैं, जैसे ये मतलब एक नंबर हम यहीं से शुरू हुए थे, ये ब्रह्म सरोवर है, यहाँ से ये देखिए ये ब्रह्म सरोवर है, और उसके बाद ये कृष्ण अर्जुन रथ था जो दूसरी तरफ हमने दिखाया था, वो यहाँ पे ये रथ है, राइट। और जो थर्ड लोकेशन है वो ये श्री कृष्ण संग्रहालय था, जो अभी हम जहाँ जाके हैं, ये 3 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे ये साथ में ही है, बिल्कुल साथ में इस पे ये पैनोरामा और विज्ञान केंद्र है। तो फिलहाल हम यहाँ पे नहीं जा रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी अभी रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि इन 20 लोकेशन पे से हम किस में जाते हैं। तो इसकी जो फ़ोटोज़ हैं इंडिविजुअल फ़ोटोज़, मैं अपना वीडियो के एंड में लास्ट में डाल दूंगा, तो आप 1 by 1 करके वो चेक कर सकते हो। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है धरोहर म्यूज़ियम के नाम से है, तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर है, इनकी जो कुरुक्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही है। तो अभी फ़िलहाल हम अभी एंटर हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पुरानी स्वॉर्ड्स हैं वो रखी हुई हैं, सेना के मेडल्स हैं, खेल के मेडल्स हैं, सारे ये सारे मेडल्स हैं जो पुराने पहले यूज़ किया करते थे, ये कॉइन्स हैं पुराने, ये जो यहाँ पे आप ये वेपन्स देख रहे हो, ये स्वॉर्ड्स देख रहे हो, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वेपन्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे डोनेट की हैं सारी, तो आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो यहाँ पे। हरियाणा का जो ओल्ड कल्चर है वो सारा ही यहाँ पे शो करके रखा है इन्होंने, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं।
सो गाइज अभी हम हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है शेख चिल्ली का मकबरा। तो हमारे पास टाइम कम था काफ़ी, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से हमने मतलब दोपहर का जो टाइम था वो थोड़ा घूमने के लिए स्किप कर दिया। सो अभी मैं ऊपर हूँ, ये है नीचे की लोकेशन, वहाँ से एंट्री है, और आइडिया 20 रुपीज़ इसका जो है टिकट चार्जेस हैं। तो अभी मैं ऊपर हूँ, तो ऊपर से कुछ लोकेशन का जो व्यू है वो ऐसा है। इसका जो टाइमिंग है वो 5 o'clock तक ही है। तो हमने कुछ और लोकेशंस थी जो वो अभी स्किप कर दी, तो सोचा पहले ये विज़िट कर लेते हैं। मे बी आई थिंक अभी 4:30 के आसपास हो चुका है टाइम, और मुझे नहीं लगता कि हम कहीं और जाएंगे। सो कुरुक्षेत्र का तो ये अपना लास्ट लोकेशन ही रहेगी, और रास्ते में अगर एक प्लेस और विज़िट करने का है प्लान, तो अगर कुछ रहेगा तो फिर देखते हैं। सो गाइज़, हमारे व्लॉग का जो लास्ट लोकेशन है वो है हाईवे 1, जो कि एक प्लेन शेप्ड रेस्टोरेंट है, और ये अवेलेबल है अंबाला और कुरुक्षेत्र हाईवे पे। और इसका जो टिकट काउंटर है वो भी ऐसा ही बना हुआ है, और जो टिकट का प्राइस है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन जो ये 100 रुपीज़ हैं आपके, अगर आप अंदर जाके फूड जो ऑर्डर करते हो, तो उसमें आपके वो जो 100 रुपीज़ हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो मतलब एज सच उसके कोई मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जाने का कुछ प्राइस नहीं है, और अंदर से मतलब कि टोटली ये प्लेन जैसा ही बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। सो ऐसा था कुछ आज का दिन गाइस हमारा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलेंगे जल्दी ही एक नए सफ़र में। और टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।